हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। सलमान खान की एक्ट्रेस ने किया माँ बनने से तौबा, 50 की उम्र में OTT पर हुई फेल, अब वापसी के लिए तलाश रही है रास्ता। बॉलीवुड में फ्लॉप हो चुकी कई सारी एक्ट्रेस इन दिनों OTT की दुनिया का शोभा बढ़ा रही हैं। 90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस रही सुष्मिता सेन, मनीषा कोइराला, काजोल, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर इन दिनों OTT के जरिए खूब नाम और पैसा कमा रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का OTT पर अभी भी बहुत बुरा हाल है। इस लिस्ट में बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है, जिसका नाम कभी अक्षय कुमार और नाना पाटेकर संग काफ़ी जोड़ा गया था। साल 1991 में बॉलीवुड को एक ऐसी एक्ट्रेस मिली जिसने करीब 50 फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाकर फिर फिल्मों में दूरी बना ली। हालांकि वे अदाकारी अपनी फिल्मों के साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ और अफेयर को लेकर ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। सलमान खान की फिल्म कुर्बान से अपने करियर की शुरुआत करने वाली उस एक्ट्रेस ने आमिर खान संग ब्लॉकबस्टर फिल्म को जीता, वहीं सिकंदर जैसी फिल्में भी दी। इसके बाद कमल हसन से ब्लॉकबस्टर फिल्म चाची 420 भी दी, अक्षय कुमार सिंह बारूद और खिलाड़ी जैसी फिल्में भी की हैं, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन से कोहराम जैसी फिल्मों में कर हर किसी का दिल जीत लिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यह किसकी बात करें। जी हाँ, हम बात करें 90 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस आयशा जुल्का की। याद दिला दे कि आयशा जुल्का ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म कुर्बान से की थी। यह फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद आयशा ने बॉलीवुड की झोली में कई सुपरहिट फिल्में भी डाली। इसके बाद उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब साल में उनकी 1 से 2 फिल्में नहीं बल्कि 5 से 6 फिल्में रिलीज होती थी। हिंदी के साथ साथ आयशा ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया फिल्मों में भी काम किया है। आयशा ने अपने हिट करियर में अक्षय कुमार और आमिर खान साथ ही कई स्टार संग काम भी किया है। मगर अफसोस, टॉप करियर आते ही आयशा ने बेहद जल्द फिल्मों में से किनारा कर लिया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन टाइकून समीर वासी संग अपना घर बसा लिया और फिल्मों से दूर हो गई। बता दें कि आयशा ने 2003 में वासी से शादी की थी। उनकी शादी को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आयशा ने कभी बच्चा नहीं पैदा करने का फैसला किया। उनका यह फैसला हर कोई किसी को हैरान करता है। एक बार बच्चा नहीं पैदा करने के सवाल पर आयशा ने ई टाइम से बात की थी और बताया था कि उन्होंने खुद कभी माँ नहीं बनने का फैसला किया था। उनके इस फैसले को उनके घर वालों से दिल से स्वीकार किया और कभी माँ बनने के लिए प्रेशर भी नहीं किया। आयशा ने कहा था कि मेरे बच्चे नहीं है क्योंकि मैं बच्चे नहीं चाहती थी। मैं अपने काम और सामाजिक कार्यों पर बहुत समय और एनर्जी इस्तेमाल करती हूँ और मैं खुश हूँ कि पूरे परिवार ने मेरे इस फैसले को स्वीकार किया। समीर ने जिंदगी के विभिन्न पड़ावों में मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी देकर मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया। साथ ही मैं जो भी करना चाहती थी उसने मेरा समर्थन किया। मुझे कभी किसी तरीके का कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ है। 51 साल की हो चुकी आयशा फिल्मों से एकदम दूर रहती हैं। अब उनका लुक भी काफ़ी बदल गया है। हालांकि 12 साल फिल्मों से दूर रहने के बाद आयशा ने OTT की दुनिया में कदम रखा है। उन्होंने अपनी OTT डेब्यू के लिए वेब सीरीज हस हस को चुना है, जिसे तनुजा चंद्रा ने निर्देशित किया था। इस सीरीज में आयशा जुल्का के साथ जूही चावला, सोहा अली खान, करिश्मा तन्ना, कृतिका कामरा और सहना गोस्वामी मुख्य किरदारों में दिखी गई थी, लेकिन इस सीरीज को दर्शकों ने उतना पसंद भी नहीं किया। अब एक्टिंग से एकदम अलग थलग हो चुकी आयशा इन दोनों अपने पति समीर के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रही हैं। उन्होंने कुछ समय पहले सैमरॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक क्लॉथिंग लाइन, एक स्पा और बोटिक रिजॉर्ट गोवा में खरीदा। वह एक साथ 5 कंपनियों की मालकिन है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।